नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मोगरा जो अपन फरवरी के महीने में लगाते हैं या पहले का पुराना पौधा रहता है उसको कटिंग कर देते हैं, खाद डाल देते हैं, एक बार फूल खिलना शुरू होता है फिर बाद में फूल कम हो जाता है, तो उसको आगे भी फूल खिलाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक दवाई खाद लेके आया हूँ बढ़िया वाला, जो इसको डाल के आप इससे में सालों भर फूल पा सकते हैं। और ये प्योर देसी मोगरा है दोस्तों, ये बहुत खुशबू वाला मोगरा है, बहुत ही प्यारा मोगरा है। तो आप देसी वाला हो हाइब्रिड वाला हो आपके पास, ये जो खाद बताऊंगा उसको आप डालिए, डालने के बाद फूलों से पूरा भरे रहेंगे। और इसमें कभी कभी कोई भी कीटनाशक दवाई जो है उसको छिटना पड़ता है, तो उससे क्या होगा इसमें मिलीभगत जो है वो सब नहीं लगता है दोस्तों। तो ऐसे करके आप इसमें हज़ारों फूल पा सकते हैं और देखेंगे रिजल्ट इसका 15 दिन में कितना अच्छा फूल खिलता है। आज अभी भी कटिंग करें, अभी फूल खिल ख़त्म हो गया है तो थोड़ा थोड़ा काटना चाहिए, ज़्यादा काटने से टाइम लगेगा और फूल भी कम हो जाएगा, तो इसीलिए ऊपर से दो दो तीन तीन इंची काट दीजिए ताकि ये फूल ज़्यादा मात्रा में खिले और खूब बढ़िया हो जाए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इसको कटिंग कर दिए हैं तो थोड़ा सा इसको कोरा कर देंगे। कोरा करने से क्या होता है, खाद जो है नीचे में जाएगा जड़ में, तो उससे क्या होता है जल्दी से असर करता है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, आप एक बार एक खाद आजमा के देखिए, ऐसे कोरा कर देंगे। अब इसके बाद में अब खाद डालेंगे अपन दोस्तों। ये सरसों खली है, इसको हम लोग 4 दिन पहले भिगोए थे, खड़ा लाए थे, अब पिसा भी ला के आप एक डब्बा में अपने पौधे अनुसार भिगा सकते हैं। तो जैसे आपके पास 20 पौधा है तो 1 किलो सरसों खली लाइए और उसमें 1 मुट्ठी ग्रूमर डाल दीजिए। अब हमारे पास 1 मोगरा है, बाकी पौधा तो अभी डाल दिया हूँ, तो 1 मोगरा खिलाने के लिए मैं थोड़ा सा सरसों खली 1 मुट्ठी लिया हूँ और मुश्किल से 1 चम्मच DAP है, ग्रूमर भी बोलते हैं जिसको, आप इसको डाल के उसमें डाल के मिला दीजिए। इसे क्या, सरसों खली डालने से पोटेशियम आयरन ये सब का मात्रा इसमें मिल जाता है, और ग्रूमर डाल देंगे इसे जड़ जल्दी बनता है, नया जड़ बनेगा तो फूल भी ज़्यादा खिलेगा। वैसे करके आप हज़ारों फूल पा सकते हैं, पूरा चारों बगल से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। और जब भी गीला खाद है, जब भी इसको डाले तो पानी की मात्रा एकदम आज के दिन कम डालिए, फिर दूसरे दिन भी उससे थोड़ा बढ़ाना है, उसके बाद रेगुलर जैसे डालते हैं वैसे डाल सकते हैं। तो वैसे ये सब नियम ज़रूरी है दोस्तों, ऐसे करके आप मोगरा में हज़ारों फूल पा सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। तो ऐसे करके आप पानी थोड़ा थोड़ा डालिए, बस खल भिगोना है पत्ते को। अब मोगरा कोशिश कीजिए धूप में रखने के लिए, बस इतना पानी बहुत है इसमें, और धूप में रखने से ज़्यादा फूल खिलता है, छाया में रखने से इसका हाइट बढ़ जाएगा फूल भी कम आएगा। तो अगर जो दोस्तों के पास अगर छाया है तो उसमें आप रखें पानी 2-3 दिन में एक बार डालिए, और जो दोस्तों के पास धूप में रखे हैं तो उसमें रखें और पानी 2 टाइम डालें, तो ऐसे करके फूल ज़्यादा खिलेगा। ये सब नियम ज़रूरी है, तो कैसे भी करके लगा देंगे पानी डालते रहेंगे तो फूल नहीं आएगा। तो मिलते हैं फिर 15 दिन बाद इसका रिजल्ट क्या है दोस्तों। ये देखिए 15 से 20 दिन हो गया है, और जो मोगरा में हम लोग खाद डाले थे सरसों खली या थोड़ा सा ग्रूमर, उसका कमाल देखते हैं किस टाइप का फूल खिला है। तो इसको आप हर 15 से 20 दिन में डाल के गैप में 15 से 20 दिन गैप में डाल के आप इसमें हज़ारों फूल पा सकते हैं, 12 महीना फूल खिलेगा। लोग बोलते हैं जो 12 महीने मोगरा नहीं आता है, देखिए दोस्तों ऐसे लग रहा है कि फरवरी मार्च का गर्मी के टाइम का है, देखिए जून में ऐसे खिलाए तो ये कम से कम फूल 2 महीने ले जाएगा ऐसे खिलते खिलते। फिर बीच में आपको हर 15-20 दिन में चाहे महीने दिन में एक बार वो सरसों खली को डाल दीजिएगा तो खिलते रहेगा, और दवाई भी छिटना है कोई भी कीटनाशक दवाई इसको डाल दीजिए। तो देखिए फूलों से पूरा भरा हुआ है, इसको आप तोड़ के इतना खुशबू रहता है भगवान में चढ़ा दीजिए, इसका गजरा भी बनता है, और कितना खुशबू वाला पौधा है। तो दरवाजे के सामने रखेंगे तो आते जाते बहुत खुशबू रहता है, बहुत ही प्यारा पौधा है, देसी वाला मोगरा है, इसका फूल बड़ा बड़ा आता है, तो इसका यही पहचान है, गुच्छा में देसी मोगरा खिलता है, हाइब्रिड वाला रहता है वो पंखुड़ी निकला रहता है उसमें खुशबू कम रहता है। तो ऐसे करके आप हज़ारों फूल पा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा फूल से भरा हुआ है,
तो ऐसे करके सरसों खली डालने से क्या, वो गर्म खा देना तो जड़ जल्दी फैलता है, उसमें डीएपी डाल देने से और फूल का जो क्वांटिटी है जड़ ज़्यादा आएगा तो क्वांटिटी फूल का बढ़ जाएगा, जैसे आप सामने देख रहे हैं कितना सारा फूल खिला हुआ है। तो ऐसे करके दोस्तों आप अपना आंगन बगिया हरा भरा कर सकते हैं फूलों से। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते दोस्तों।